नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम, एक ताज़ा खबर आप तक पहुंचाना चाहते हैं। शेखुपुरा मोटरवे इंटरचेंज पर नामालूम अफराद की जानिब से पुलिस वैन पर हमला किया गया है और इस हमले के दौरान नामालूम अफराद अपने एक साथी को छुड़ा के ले गए हैं जो कि 50 से ज़ायद वारदातों में मुलव्वस था और उसे लाहौर में ज़िदाद-ए- दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था। नाज़रीन, अपने नुमाइंदा सुल्तान हमीद राही से हम मज़ीद तफ़सीलात इस हवाले से जानेंगे। सुल्तान हमीद, हमें बताइएगा पुलिस वैन में कितने पुलिस अहलकार इस मुल्ज़िम की हिफाजत पर मामूर थे जो 50 से ज़ायद वारदातों में मतलूब था, और अब क्या सूरत हाल है? आज सुबह मोटरवे कोर्ट इंटरचेंज के करीब जब ये पुलिस वैन में इसे दहशत गर्दी को अदालत में ले जाया जा रहा था, इसका नाम है मुख्तार मोखी, ये उजरती कातिल है और ये 50 से ज्यादा कत्ल की वारदातों में मुलव्वस है। इसको दहशत गर्दी की अदालत में ले जाया जा रहा था। कार कुमार इसके नाम साथियों ने फायरिंग कर दी पुलिस वैन पे, उसे छुड़ा लिया है। ये बताना जरूरी है कि ये मुख्तार और मोखी ये जहां भी ये कत्ल की वारदातें करता था कि एक ही खानदान के 9 और 14 अफराद को हलाक करता था। इसने आज तक कोई सिंगल ऐसी वारदात नहीं की जहां एक शख्स को कत्ल किया हो। बहुत शुक्रिया आपका सुल्तान हमीद राही। अपने नाज़रीन के लिए हम एक बार फिर बताते चलें कि शेखुपुरा मोटरवे इंटरचेंज पर नामालूम अफराद ने पुलिस वैन पर हमला किया और मुख्तार नामी एक मुलजिम जो कि 50 से ज्यादा कत्ल की वारदातों में मुलव्वस था और उसे लाहौर इंसदाद-ए- दहशतगर्दी की अदालत में पेशी के लिए ले जाया जा रहा था कि वो हमला आवर जो है वो अपने साथी को छुड़ा